प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस महान परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आज की शाम में परमेश्वर ने ये संगति हमें दी कि हम सब मिलकर उसकी उपस्थिति में आएं, हम सब मिलकर उसके वचन से सीखें और हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करें। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। आसाम में एक गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने हमें बताया कि 2 साल से उनका पेमेंट रुका हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश की परंतु वो पेमेंट उन्हें नहीं मिल रहा था। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि 2 साल से रुका हुआ पेमेंट उनको बीते दिनों में मिल गया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। यदि आपका भी पेमेंट रुका हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आपके पेमेंट को देने जा रहे हैं। हम वचन से देखते हैं, योएल की किताब उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं, जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो बलहीन है, जो कमजोर है, वो अपने आप के लिए कहे मैं बलशाली हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं बलवान हूं। हम ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो वो परेशानियों में होते हैं, जब वो मुसीबतों में होते हैं, जब वो बीमारियों में होते हैं, तो वो 24 घंटे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी उनके जीवन में है, कितना बड़ा दुख उनके जीवन में है, कितनी बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे हैं। बीते दिनों मेरे एक भाई से बातचीत हुई, लगभग आधा घंटा हम लोगों ने बातचीत किया और आधे घंटे में उस भाई ने पूरा आधे घंटे मुझसे बातचीत में केवल यही कहा कि वो दुष्ट कितना बड़ा है, वो दुष्ट ने मेरे जीवन में परेशानियां ला रखी हैं, बीमारियां ला रखी हैं, कोई भी प्रार्थना से भी कोई असर नहीं हो रहा, वो दुष्ट बहुत भयंकर है, वो हमें परेशान कर रहा है। वो इसी प्रकार की बातें करते रहे, हालांकि मैंने उन्हें समझाया कि दुष्ट बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। दुष्ट सामर्थी नहीं है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है जिस पर हम भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमें से बहुत से भाई बहन अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में, अपने दुखों के बारे में अपने लोगों से कहते फिरते हैं, 24 घंटे वही बातचीत करते हैं। परंतु यदि आप मसीह में हैं तो आपको इनके बारे में बातचीत नहीं करना है, आपको अपने परमेश्वर के बारे में बातचीत करना है, आपको चंगाई के बारे में बातचीत करना है, आपको आशीषों के बारे में बातचीत करना है, आपको क्षमा के बारे में बातचीत करना है। मेरे प्रियो, आपको खुशी के बारे में बातचीत करना है, आनंद के बारे में बातचीत करना है, शांति के बारे में बातचीत करना है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप बीमार हो, परंतु यदि आप मसीह में हैं तो आपको लोगों से यह नहीं कहना कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, आपको कहना है मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है और मैं चंगा हूं, मैं भला चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं। हो सकता है आज आप बहुत ज्यादा परेशानियों में हो, परंतु आपको लोगों से यह नहीं कहना कि आप बहुत ज्यादा परेशानियों में हैं, आपको कहना है कि मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आशीषित हूं। मेरे प्रियो, और मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। जब आप इस प्रकार से कहेंगे तो परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लाएगा। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। हालांकि वो कमजोर है, हालांकि वो बलहीन है, तो फिर भी उसे कहना है कि मैं वीर हूं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हालांकि आप बीमारियों में हैं, हालांकि आप परेशानियों में हैं, परंतु आपको कहना है मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं भला चंगा हूं, मैं खुश हूं, मैं आशीषित हूं। मेरे प्रियो, हम दाऊद के जीवन में देखते हैं गोलियत एक बहुत बड़ा दानव था जिसे देखकर इजरायली डर गए, परंतु दाऊद नहीं डरा। जबकि दाऊद तो छोटा बच्चा था, परंतु उसने अपने विश्वास को थामे रखा, अपने मुंह के अंगीकार को सही से यूज किया और उसने कहा कि ये खतना रहित फिलिस्ती कौन होता है जो हमें ललकारे, परमेश्वर के लोगों को ललकारे, निश्चय मैं इसे मार डालूंगा। और उसने एक ही वार में उसको मार गिराया। मेरे प्रियो, ये
कैसे हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था कि परमेश्वर उसके साथ में है और परमेश्वर उस गोलियत को मार गिराएगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आपको भी विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर इस बीमारी से आपको चंगाई देगा, परमेश्वर इस समस्या से आपको छुटकारा देगा। और दाऊद ने यह नहीं कहा मैं तो बच्चा हूं, मैं तो कमजोर हूं, नहीं, उसने कहा निश्चय मैं इसे मार गिराऊंगा, मैं यहोवा के नाम से इससे लड़ने के लिए जाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारा अंगीकार, जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं परमेश्वर उसे सृष्टि में लाते हैं। इसलिए सोच समझ कर कहें कि आपको क्या कहना है, अपनी आशीषों के बारे में बातचीत करें ना कि आपकी परेशानियों के, अपनी चंगाई के बारे में बातचीत करें ना कि अपनी बीमारी के। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लाएगा और आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, उस महान और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज की शाम में आपके मन में जो भी बात है, जिस बात को लेकर परेशान है, उन बातों को यीशु से कह दीजिए। यीशु आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। सच में मेरे खुदावन, आपने प्रभु जी हमें दिन भर सुरक्षित रखा प्रभु, और ये सुंदर सा समय दिया कि प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें प्रभु। सच में मेरे पिता, आप दयालु अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते यीशु राजा, हम तेरी स्तुति करते लॉर्ड, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं लॉर्ड, और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, धन्यवाद कि दिन भर में सुरक्षित रख के प्रभु ये समय दिया कि हम इन बातों के लिए, दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें यीशु मसीह। सच में प्रभु जी, आप अद्भुत आश्चर्यकरण करने वाले परमेश्वर हैं, आप सेनाओं के प्रभु हैं पिता, हमारी ओर से लड़ने वाले, हमें सुरक्षित रखने वाले, हमारी ढाल, हमारी मजबूत शहरपनाह है लॉर्ड। आप ही परमेश्वर यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले, आप उपाय करने वाले, और आप हमारी देखभाल करने वाले और अपनी शांति से हमें भरने वाले परमेश्वर हैं लॉर्ड। धन्यवाद लॉर्ड, तेरी स्तुति हो लॉर्ड, तेरी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद, हम एक स्वर में प्रभु जी तुझे धन्यवाद करते हैं, हम एक स्वर में आपका धन्यवाद करते हैं, हम एक स्वर में आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सच में आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर पिता, हमारे इन जीवनों से जो आपने हमें दिया है, इन जीवनों से आपकी नाम की महिमा हो प्रभु। विशेष का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति आज की शाम में इस भाई, इस बहन के संग में, इनके परिवार के संग में, हर एक जन के संग में होने पाए लॉर्ड। आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आप इन्हें पवित्र आत्मा की संगति दीजिए, ताकि आत्मा और सच्चाई से तुझसे प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई से अपने मन की बातों को आपको कहें लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट Father, you are the wonderful Father, you are the awesome Lord Father. Thank you Jesus, thank you Lord. We lift up your name Lord Jesus, we glorify your name Lord Jesus. Thank you Father, thank you Father, thank you Master. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मेरे प्रभु हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सच में मेरे पिता आप हमारे बचाने वाले हैं मेरे प्रभु जी, आप हमारे मुक्ति के सींग हैं, आप हमें अपने आंख की पुतली की नाई संभालते हैं, आप हमें बल देने वाले, हमें शक्ति और सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं लॉर्ड। आज की शाम में इस भाई, इस बहन को प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए पिता मेरे प्रभु जी, ताकि ये अपने हृदय में मजबूत हो जाएं, इनके पैरों को स्थिर करें, इन्हें प्रार्थना में स्थिर करें, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी बातें प्रभु इन्हें तुझ में बढ़ने से रोकने ना पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रार्थना में ना आने पाए, कोई भी आलस, कोई भी उबासी आने ना पाए लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, ये आत्मा से तुझसे कनेक्ट होने पाए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। विशेष का हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के सुंदर वचन के लिए लॉर्ड, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया। ये वचन हमारे जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे, ये हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। इस भाई, इस बहन ने जब तेरे वचन को सुना है, ये वचन इनके जीवनों में प्रभु पिता परमेश्वर कार्य करे और बहुत सा फल लेकर आए लॉर्ड। ये प्रभु अपनी परिस्थितियों को बड़ा नहीं, परंतु पिता तुझे बड़ा देखे प्रभु जी, क्योंकि तू हमारी परिस्थितियों से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, तू कहीं गुना ज्यादा सामर्थी है, तू कहीं गुना ज्यादा
अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु कि जिस प्रकार दाऊद ने पिता परमेश्वर तुझे प्रभु जी अपनी परिस्थितियों से बड़ा देखा, मेरे प्रभु उसने गोलियत को नहीं परंतु पिता तुझ सेनाओं के यहुआ को देखा, और प्रभु सच में मेरे खुदावन यीशु मसीह उसने गोलियत को एक चींटी के समान देखा। आपने पिता परमेश्वर उस गोलियत के ऊपर विजय दिलाई, क्योंकि प्रभु जी उसने अपने आप को कमजोर नहीं परंतु अपने आप को बलवंत पाया, क्योंकि आपका वचन कहता है लॉर्ड कि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मेरे परमेश्वर आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, उसी प्रकार ये भाई ये बहन पिता जिस प्रकार दाऊद ने प्रभु जी अपनी परिस्थितियों को बड़ा नहीं परंतु पिता तुझे उस सेनाओं के प्रभु को उस यहोवा परमेश्वर को बड़ा देखा, उसी प्रकार ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर अपनी परेशानी विपत्ति मुश्किलों को बड़ा नहीं परंतु तुझे बड़ा देखें, अपनी बीमारियों को बड़ा नहीं परंतु तुझे बड़ा देखें। परमेश्वर पिता होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु हम जो प्रभु ये बातें प्रभु दुष्ट प्रभु इनकी बीमारियों को बड़ा दिखाता है, इनकी परिस्थितियों को बड़ा दिखाता है, उस बात को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करते हैं लॉर्ड, वो भ्रम को हम दूर करते हैं, उन बातों को हम दूर करते लॉर्ड। आज आप इनकी आत्मिक आंखों को खोलें पिता कि सच में मेरे खुदावन ये जान पाए वो सेनाओं का प्रभु जो हमारी ओर है वो कहीं गुना ज्यादा बड़ा है लॉर्ड। सच में मेरे पिता ये अपनी विपत्ति के समय तुझ पर विश्वास करें और तुझे बड़ा देखें, अपनी बीमारियों में तुझे बड़ा देखें, तुझे अपना चंगा करने वाला परमेश्वर देखें। धन्यवाद पिता यदि आज ये मुसीबत विपत्तियों में बीमारियों में कर्जों में है पिता परमेश्वर, अपनी विपरीत परिस्थितियों में है पिता, जब हालात बिगड़े हुए हैं पिता, यीशु मसीह दुआ करती हूँ मेरे पिता कि प्रभु जी ये प्रभु इस समय भी प्रभु जी तेरी ओर देखें, तेरी ओर निहारें, क्योंकि सल्यूशन आपके पास है, उत्तर आपके पास है, प्रार्थनाओं का उत्तर आपके पास है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, आप इनकी हर एक मार्ग में इनकी सहायता और मदद करें। यदि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं लॉर्ड, आप इन्हें अपना बल दें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि यहोवा के लोग बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे लॉर्ड, आप इन्हें बल पर बल दें मेरे खुदावन, ताकि अपने आप को कमजोर ना देखें, ताकि अपने आप को छोटा ना देखें, अपनी बीमारियों को बड़ा ना देखें, मेरे पिता तुझे बड़ा देखें परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड आज की शाम में मेरे खुदावन, हर एक विपरीत परिस्थितियां इनके जीवन से चली जाए, हर एक मुसीबतें इनके जीवन से चली जाए, हर एक चिंता इनके जीवन से चली जाए, हर एक बीमारियां इनके जीवनों से चली जाए मेरे प्रभु। यदि आज की शाम में ये अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बीमारियों में है लॉर्ड, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब इन्हें ये लगता है कि बीमारियों शायद हम कभी भी नहीं छूट पाएंगे लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सच में तू सेनाओं का प्रभु है, तेरा वचन कहता है कि संग्राम तो यहुआ का है परंतु जय हमारी, हाँ परमेश्वर ये संग्राम आपका है पिता, और जय इस भाई इस बहन की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड पिता, आज प्रभु जी आप इनकी बीमारियों के ऊपर इन्हें विजय दें, इनकी मुसीबत के ऊपर इन्हें विजय दें, इनकी चिंताओं के ऊपर इन्हें विजय दें, इन्हें बुरे सपनों के ऊपर इन्हें विजय दें, दुष्ट आत्माओं के ऊपर इन्हें विजय दें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप इनकी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर, यदि दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करती है, घरों में प्रभु लोगों को परेशान करके रखती है, इनके परिवारों में बीमारियों को कर्जे को गरीबी को डाला हुआ है पिता यीशु के नाम से, आज की शाम में ये दुष्ट के काम इनके जीवनों से नाश हो जाए मेरे पिता। आज की शाम में इन ये भाई ये बहन इनका परिवार दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने पाए लॉर्ड, हर एक दुष्ट आत्मा इनके परिवार से इनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। यदि बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, यदि आप पीड़ा में हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, यदि आप बिस्तरों में पड़े हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, यदि आप चल नहीं सकते बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उस जगह पर आप हाथ रखें लॉर्ड, अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी, इस भाई इस बहन को आप छू लें, इनके परिवारों में जो बीमार हैं जो दर्द में हैं जो
चल नहीं सकते, लोग बोल नहीं सकते पिता, जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु आप उन्हें छू ले पिता, आपकी चंगाई इनके जीवनों में आने पाए। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार का प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीरों से चला जाए इन जीसस नेम। लॉर्ड फादर धन्यवाद तेरी पूर्ण चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, धन्यवाद कि आपने इन्हें छू लिया है, आपने इन्हें चंगा किया है। अब इनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, अब इनके शरीर में कोई भी दर्द नहीं, ये चलने लगे हैं पिता, ये देखने लगे हैं पिता, ये सुनने लगे हैं प्रभु, ये बोलने लगे हैं पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, इनकी प्रभु इनकी स्किन हील हो गई है, इनके इन्फेक्शंस दूर हो गए हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु। इनका डिप्रेशन चला गया है लॉर्ड, इनकी याददाश्त जो लोग भूल जाते हैं प्रभु, भूलने की बीमारी यीशु के नाम से प्रभु आपने इनकी मेमोरी को फिर से प्रभु रिन्यू कर दिया है लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे पिता, मेरे प्रभु जी आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें मेरे प्रभु जी, अपनी परिस्थिति को ना देखें परंतु तुझे देखें हर एक बात के लिए प्रभु। जब ये भाई बहन मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चों के लिए मेरे पिता, अपने अच्छे करियर के लिए पिता, अपने अपने जानने वालों के लिए प्रार्थना करें जो हॉस्पिटल में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड, आप इनकी सुधि लें, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जो भाई बहन हमें इस समय कमेंट्स भेज रहे हैं लॉर्ड, आप इनकी सुधि लें प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। यदि बीमार है तो चंगा करें, यदि जॉब नहीं है तो आप इन्हें जॉब दें, लाइफ पार्टनर या अच्छा लाइफ पार्टनर दें मेरे पिता, इनके मनोरथों को पूरा करें। जो बातें इनके इम्पॉसिबल है आप उनके लिए पॉसिबल करें लॉर्ड फादर, धन्यवाद हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। होने दे इनके मुंह के अंगीकार बदल जाएं मेरे प्रभु, अपने जीवन में नेगेटिव अंगीकार नहीं परंतु पॉजिटिव अंगीकार करने पाए लॉर्ड, सही गलत ना बोले परंतु सही बोले, अपने बच्चों के लिए आशीष बोले, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए आशीष बोलने पाए, ताकि इनके मुंह के फल प्रभु इस दुनिया में आए प्रभु और उन्हें आप फलवंत करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, धन्यवाद आज की शाम में आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद दे प्रभु जी। प्रभु हर एक बुरे सपनों से छुटकारा, हर एक नेगेटिव थॉट से छुटकारा, हर एक दुष्ट के बंधनों से छुटकारा दे पिता, धन्यवाद करते प्रभु। जिस किसी बात को लेकर चिंतित हैं, सो नहीं पाते प्रभु, चिंता आपके ऊपर देते हैं प्रभु, आप इन्हें प्रभु जी शांति दे मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें विश्राम दे, जब ये थक चुके हैं आप इन्हें विश्राम दे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हां और आमीन में दिया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, आप यूं ही हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हों ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर से संगति करें और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को और उसकी आशीषों को अपने जीवन में